स्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार बोर्ड दसवीं की परीक्षा में 486 नंबर लाकर प्रदेश भर में तीसरा स्थान लाने वाली पलक कुमारी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं के साथ एक लैपटॉप भेंट किया है। पलक कुमारी खेसारी लाल यादव के पैतृक गांव धानाटी की है, जिनके पिताजी का नाम राजेश सिंह है। खेसारी लाल यादव ने उन्हें यह लैपटॉप खेसारी लाल फाउंडेशन की ओर से दिया है, जिसके तहत खेसारी लाल यादव अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस अवसर पर उनके साथ मौके पर गीतकार पवन पांडे भी मौजूद हैं। इस अवसर पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पलक ने न सिर्फ हमारे गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने बेटियों के समक्ष एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे कि पलक जैसी सभी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आए और अपने परिवार के साथ प्रदेश व देश का मान बढ़ाए। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पलक ने इस गांव का मनोबल को बढ़ा दिया है। पलक आगे भविष्य में जो करना चाहती है, जो बनना चाहती है, उसमें वह सहयोग करेंगे। वहीं पलक कुमारी ने कहा कि मेरे सफलता पर आज जो मेरा गांव में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मुझे उपहार स्वरूप यह लैपटॉप भेंट किया है, ताकि मैं आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकूं। मैं आईएएस बनना चाहती हूं और उन्होंने मुझे इसके लिए शुभकामनाएं दी है और कहा कि वे मेरी सफलता में सहयोग करेंगे और मुझे यहाँ तक बनाने में अपना सहायता भी करेंगे और अपना योगदान भी देंगे। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पूरे इस गांव को इतना ऊंचा कर दिया बेटा, पूरा बिहार में आपका चर्चा है। तुम मेरी बेटी हो, तुमको जो बनना होगा तुम मेरे से। मैं पलक कुमारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में पूरे संपूर्ण बिहार में मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 486 नंबर के साथ। आभारी हूँ कि हमारे गांव के खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, उन्होंने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। उन्होंने उपहार स्वरूप हमें लैपटॉप दिया है, जिससे ताकि मैं आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकूं। मैं भविष्य में आईएएस बनना चाहती हूं। उनका कहना है कि वे भविष्य में मेरी सफलता में सहायक बनेंगे तथा अथक प्रयास कर मुझे आईएएस बनाने में सहयोग करेंगे। तुम्हारा पढ़ाई आसान हो जाएगा, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। बहुत बहुत मंगाऊंगे इसमें आपके लिए। अच्छा है, देखो तो पसंद है ना। साई भैया का धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। चलो इसको रख लो और इससे पढ़ाई करो और आगे की पढ़ाई खूब अच्छा से करो, ताकि इससे भी ज्यादा आगे नाम रोशन करो, ताकि धरनी गांव और रसूलपुर पंचायत का नाम ऐसे ही खूब रोशन हो और जिला का भी नाम रोशन हो पूरे बिहार में। बहुत अच्छा लगा।